सो फ्रेंड्स एक ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे पास. नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%. देन द नंबर चार ऑप्शंस डज नॉट चेंज, डिक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1% और या तो फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं. एक नंबर को 10% बढ़ाया फिर 10% कम किया तो क्या होगा? नंबर वो 1% से बढ़ेगा, 1% से कम होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या इस तीन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो देखते हैं कैसे करना है. हम लोगों ने बोला लेट दैट नंबर बी एक्स. मान लो नंबर एक्स है, अब 10% उसको बढ़ाना है तो कितना इंक्रीज करना है? इंक्रीज बाय 10%. तो 10% किसका 10%? नंबर का ही 10% ना. तो नया नंबर बनाता हूं, पहले का था x था, इसमें और ऐड करना है. कितना ऐड करना है? 10% ऑफ x. इसको सिंपलीफाई करता हूं, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, यहां पे आया x प्लस x बाय 10, डिनोमिनेटर सेम करता हूं, यहां इनटू 10 कर देता हूं. तो इनटू 10 कर दिया है ना, ये आया 10x प्लस 1x दैट इज 11x बाय 10. तो अभी ये हमारा फाइनल नंबर बना हुआ है जब इसको हमने 10% से इंक्रीज किया था, तो 11x बाय 10 बना. अब इस नंबर को 10% डिक्रीज करना है तो 10% डिक्रीज कर दे, डिक्रीज बाय 10%. किसके 10%? अभी नंबर कौन सा है? 11x बाय 10. जो नंबर है उसका 10% कम करना पड़ेगा ना. तो देयरफॉर न्यू नंबर, अभी नंबर क्या है? 11x बाय 10 है, इसमें से 10% ऑफ 11x बाय 10 माइनस करना पड़ेगा तब नया नंबर हमको मिलेगा. तो 10 कैंसिल हो गया, 11x बाय 10 माइनस 11x बाय 100. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको इनटू 10 कर देता हूं, इसको कर दिया इनटू 10, ये हो गया 110x बाय 100 माइनस 11x बाय 100 दैट इज 99x बाय 100. ये बन गया आखिरी का फाइनल नंबर. पहले था x, 10% बढ़ाया हुआ 11x बाय 10, फिर इसमें से 10% कम किया, नंबर बना 99x बाय 100. अब हमको बताना है कि जो पहले का नंबर था ओरिजिनल x और अब जो ये नंबर है 99x बाय 100, इसमें क्या फर्क है? सेम तो नहीं है, ये तो पता चल गया क्योंकि यहाँ x है और यहाँ 99x बाय 100, तो सेम तो नहीं है. तो क्या हुआ? 1% से कम हुआ है, ज्यादा हुआ है या फिर डज नॉट चेंज? तो ऑप्शन नहीं बचा, चेंज तो हो ही गए. तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है या फिर तीनों में से एक भी ऑप्शन नहीं है, अपने को देखना है. अब ये नंबर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? पहले था x, अब है 99x बाय 100, तो ये नंबर छोटा हो गया या बड़ा हो गया उससे? 99 बाय 100 का क्या मतलब हुआ? 0 point something, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. 99 बाय 100 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 99 बाय 100 का 0.99x ये आंसर आएगा. इसका मतलब ये नंबर अभी छोटा हो गया है, डिक्रीज हुआ है. मैं अब डिफरेंस निकालता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? x माइनस 99x बाय 100 डिफरेंस निकालता हूं, तो पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ गया है नंबर का. नाउ नंबर इज रिड्यूस्ड, छोटा हो गया है बाय कितना? x माइनस 99x बाय 100. माइनस करूंगा तो पता चलेगा x है, 99x बाय 100 है, नीचे ले लेता हूं 1 और अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहां इनटू 100 कर देता हूं. अब ये आया 100x माइनस 99x, 1x बाय 100. तो कितने से कम हुआ है? x बाय 100 इतना कम हुआ है. अभी हमको सवाल लेके पूछा था ना, तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें से एक भी, अपने परसेंटेज में पूछा है. डिक्रीज बाय 1% है क्या? अभी परसेंट निकालेंगे तो पता चलेगा, इंक्रीज वाला तो नहीं है, ये भी ऑप्शन गया. अब 1% कम हुआ है क्या? चेक करते हैं कितना कम हुआ है, ये पता चल गया है कितना कम हुआ है. 1% है क्या वो निकालना है. कैसे निकालेंगे? मान लो अपने को अगर ऐसे दिया है कि
कि एक नंबर जो था वो 800 था और वो भी 100 कम हो गया, 100 कम हो गया, ओके, डिक्रीज बाय 100, इतना डिक्रीज हुआ है। अभी नंबर बना है 700, कितने से कम हुआ है, 100 से कम हुआ, तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना परसेंट कम हुआ कैसे पता चलता है, परसेंट निकालने के लिए हम लोग हमेशा इनटू 100 करते हैं। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं कितना डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल कितना था और परसेंट के लिए 200, हमको परसेंट मिल जाएगा कितना परसेंट कम हुआ करके। सेम अभी यहां करेंगे हम लोग, नंबर था ओरिजिनल एक्स, कितना कम हुआ, एक्स बाय 100 निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे कितना कम हुआ, ओरिजिनल था कितना और परसेंट के लिए इनटू 100, कितना कम हुआ, एक्स बाय 100 इतना कम हुआ, ओरिजिनल कितना था एक्स, परसेंट के लिए इनटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब चार टर्म्स आती है तो ऊपर की दो ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई करके इसका करते हैं रेसिप्रोकल, 1 बाय एक्स इनटू 100, 100 भी कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, तो कितना परसेंट कम हुआ, परसेंट डिक्रीज कितना है, 1%। तो देखो इतना ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन था कि एक नंबर को पहले 10% बढ़ाया था, फिर 10% ही कम कर दिया था। तो अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे तो हम लोग सोचेंगे यार क्या फर्क पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन हम लोगों ने टिक कर दिया होगा, डज नॉट चेंज, लेकिन चेंज हो रहा है, नंबर 1% से कम हो गया। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, मैं ऐसे और ट्रिकी क्वेश्चन मेरे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।